देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने अभी तक क्या किया, हमने सबसे पहले एक सिंपल माइक्रोस्कोप किया। जब आपने सिंपल माइक्रोस्कोप किया था तो उसके अंदर आपने एक डायग्राम बनाया था जिसमें वर्चुअल इमेज बनी थी, ये पहला डायग्राम था, यानी कि इमेज वॉज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, मैं डायग्राम मिस कर गया, कि अगर इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप है लेकिन इमेज कहां पर बन रही है, एट इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना पड़ेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप के फोकस पे, तो इमेज इन्फिनिटी। तो मैंने एनसीईआरटी की बुकलेट में डालना भूल गया, तो मैंने ये शीट बनाई, तो प्लीज ये भी एनसीईआरटी की शीट है, ये भी केस आ सकता है। तो अब आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप के दो केस हो गए। पहला केस जो बुकलेट में किया हमने एनसीईआरटी की, जिसमें क्या किया, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और दूसरा व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के केस में ये फॉर्म, ये डायग्राम बनेगा। तो इसके अंदर मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, अगेन बीटा और अल्फा बताता हूं क्या है, क्योंकि बीटा इसमें इमेज तो बहुत दूर बनेगी बीटा, तो बीटा बाय अल्फा। अल्फा क्या है, ऑब्जेक्ट को साइज साइड पे ले लो, ऑब्जेक्ट को डी पे रखो, डी का मतलब जहां नॉर्मल आई देख सकती है, तो एट एन एंगल ऑफ अल्फा। तो टैन अल्फा यहां पर एच बाय डी है, एच बाय डी है, और टैन बीटा यहां पर एच बाय एफ है। तो यहां पर टैन बीटा एच बाय एफ है, टैन अल्फा एच बाय डी है, तो मैग्नीफाइंग पावर डिवाइड करेंगे तो प्लीज फॉर्मूला याद करो, डी बाय एफ। अगर आपको याद हो सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर पता है क्या थी, 1 प्लस डी बाय एफ, पर मैंने आपको शॉर्टकट कराया, जब इन्फिनिटी का केस आता है 1 प्लस हट जाता है, तो सीधा भी लिख सकते हो डी बाय एफ, करवाया था ना 1 प्लस डी बाय एफ, 1 प्लस डी बाय एफ में 1 प्लस हटा दो, इन्फिनिटी के केस में डी बाय एफ। तो ये मैग्नीफाइंग पावर है, ये याद रखना है, ठीक है। ये अब दो केस हो गए, मैग्नीफाइंग ग्लास के या सिंपल माइक्रोस्कोप के। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दो केस हैं। पहला केस क्या किया था, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, हमने कर लिया, और दूसरा केस व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, वो भी कर लिया। मैंने आपको स्लाइड में दिखा दिया, पर आपकी बुकलेट में नहीं था एनसीईआरटी की, इसलिए यहां पे डाला व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, आपने यहां से करना है। तो अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो आपने ये डायग्राम ड्रॉ करना है, और इसकी मैग्नीफाइंग पावर का शॉर्टकट मैंने बता दिया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वैसे फॉर्मूला 1 प्लस डी बाई एफ होता है, पर इन्फिनिटी के केस में सिर्फ 1 प्लस हटा देंगे डी बाई एफ, तो ये फॉर्मूला आपने नोट करना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो अब सिंपल माइक्रोस्कोप के दो केस हो गए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दो केस हो गए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के भी दो केस हो गए। इन फाइनाइट डिस्टेंस इन्फिनिटी, फाइनाइट डिस्टेंस इन्फिनिटी, फाइनाइट डिस्टेंस इन्फिनिटी। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हमने कर लिया, यहां से कर लो या बुकलेट से कर लो, एक ही बात है। कैस्क्रेन हमने कर लिया, यहां से कर लो बुकलेट से कर लो, एक ही बात है, ठीक हो गया। अब आप ये सोचो, आप पेपर में खूब तैयारी करके गए और आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दो केस, सिंपल के दो केस, टेलीस्कोप के दो केस, एकदम सब न्यूमेरिकल सब करके गए, और 3 नंबर का क्वेश्चन आया, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। घर आ गए तो यही कहोगे ना, आउट ऑफ स्कोप था जी पेपर, तो पेपर बड़ा टफ बना दिया बनाने वाले ने, ठीक है, मैं क्या करके गया और आया क्या। 3 बार आ रखा है बोर्ड में ये क्वेश्चन, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टाइप का मतलब मिरर वाला जो टेलीस्कोप है, रिफ्रैक्टिंग जिसमें दो लेंस लगे होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या पहला एडवांटेज रिफ्लेक्टिंग टाइप का, देयर इज नो क्रोमैटिक एबरेशन इन मिरर। क्रोमैटिक एबरेशन हमने लास्ट टाइम किया था, एबरेशन क्या होते हैं, डिफेक्ट। क्रोमैटिक का मतलब कलर के डिफेक्ट, तो याद करो लेंस में प्रॉब्लम थी, व्हाइट लाइट जाती है 7 रंगों में डिवाइड होकर बाहर आ जाती है, मिरर में ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है 7 रंगों वाली, क्योंकि इसमें डिस्पर्शन होती नहीं है, तो इसलिए मिरर ज्यादा फायदेमंद है, इसमें कलर के डिफेक्ट नहीं आ सकते। नेक्स्ट है, मिरर इज पैराबोलिक, इवन स्फेरिकल एबरेशंस कैन बी रिमूव्ड। याद करो लास्ट टाइम किया था, मिरर को अगर मिरर की कटिंग अगर पैराबोला की फॉर्म में कर देंगे तो मल्टीपल फोकल लेंथ नहीं आती थी, है ना, फोकल लेंथ उसके डिफेक्ट को रिमूव कर सकते थे, पर लेंस की कटिंग मुश्किल है, ग्लास की कटिंग मुश्किल है, मिरर की कटिंग इजी है, तो मिरर में डिफेक्ट कम आते हैं एज कंपेयर टू लेंस। नेक्स्ट है, मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज इजी टू डिजाइन एंड इंस्टॉल बिकॉज मिरर वे मच लेस देन द लेंस। लेंस अगर आप इतना बड़ा लेंस लोगे ना, ग्लास का बना हुआ, उठाया नहीं जाएगा, बहुत भारी होता है ग्लास, और अगर आप मिरर लोगे ना, तो जितना मर्जी बड़ा मिरर है उसको उठाना बड़ा आसान है, हल्का होता है मिरर। तो जहां बड़े बड़े टेलीस्कोप लगने होते हैं वहां ग्लास लेंस की जगह क्या प्रेफर किया जाता है, मिरर, क्योंकि मैकेनिकल डिजाइन इजी है, सपोर्ट इजी है, सब कुछ इजी है, क्योंकि हल्का है मिरर एज कंपेयर टू लेंस बड़े बड़े टेलीस्कोप्स में।
लास्ट है, इट इज पॉसिबल टू हैव टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर इन दिस वे टेलीस्कोप विद हायर रिजॉल्विंग पावर कैन बी डिजाइन। मिरर तो कितना मर्जी बड़ा ले लो, मिरर छत पे लगाओ, बहुत बड़ा मिरर ले लो, पूरी कर्व बहुत बड़ा कर्व ले लो, हल्का है मिरर, ग्लास कैसे लोगे, इतना बड़ा कमरे इतना ग्लास कैसे लोगे, इतना बड़ा ग्लास भारी बहुत बन जाएगा। डाइनिंग टेबल के ऊपर ग्लास लगा होता है, उठा के देखो, उठाया नहीं जाता, तो ग्लास की कटिंग भी मुश्किल है और ग्लास को संभालना भी मुश्किल है, मिरर आसान है। तो एक बहुत बड़ा पैराबोलिक मिरर बना के बहुत सारी रेत को इकट्ठा कन्वर्ज किया जा सकता है, लेंस बहुत बड़ा लेना मुश्किल है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप की एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप।